तारीख का कहा था, लेकिन हमारा प्रोग्राम कल से शुरू है। जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देगा, कौम के सामने पेश नहीं होगा, तो हम वापस नहीं आएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूं और इस वक्त बनी गाला में मौजूद हूं। जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत कम होता जा रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। दो तारीख के करीब आते ही जो हलचल है वो भी बढ़ गई है, और आज दिन भर हमने टेलीविजन पर देखा कि किस तरह से हर घंटे के बाद डेवलपमेंट्स होती रही, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस होती रहीं, जलसों से खिताब होते रहे। और कल का दिन अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि आज सुबह से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने 2-3 मरतबा मीडिया टॉक की है, उसके अलावा मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस हुई, जिसमें सबसे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो चौधरी निसार साहब की थी, बिलावल ने भी गुफ्तगू की, इसके अलावा राणा सनाउल्ला साहब ने भी मीडिया टॉक की, ज़ईम कादरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और कल के दिन पर अगर आप नजर डालें तो कल सुबह सबसे पहले तो 9 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक समाअत होने जा रही है, जिसमें इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के हवाले से इमरान खान साहब को अदालत में तलब कर रखा है। उसके बाद परवेज खट्टक साहब 10 बजे सवाबी से अपने कारकुनों को लेकर निकलेंगे, और एक बहुत बड़ी तादाद में मुतवक्के है कि कारकुन उनके हमराह होंगे और वो इस्लामाबाद की तरफ अपने सफर का आगाज करेंगे। 2 बजे इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, फिर 4 बजे चौधरी निसार साहब भी कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इस दौरान में इमरान खान साहब तो कारकुनों से या मीडिया से गुफ्तगू करेंगे ही। अब आज के इस प्रोग्राम में हम जरा माहौल का जायजा लेने जा रहे हैं कि कल से क्या माहौल बनने वाला है, क्योंकि 2 तारीख के लॉकडाउन का जो प्लान दिया गया था उसका आगाज कल से हो रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने आज खिताब करते हुए कारकुनों से कहा है कि हम कल ही से अपने सफर का आगाज कर रहे हैं। अब मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इसी हवाले से बड़े रेलेवेंट हो, बहुत खास मेहमान हैं, मैं तारुफ करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक साहब। परवेज खट्टक साहब बहुत शुक्रिया सर, कल का क्या प्लान है ये तो मैं आपसे जानूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज की जो एक डेवलपमेंट थी जिसका जिक्र चौधरी निसार साहब ने भी किया, मैं उसी से आगाज करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 12 क्लैशनकोफ हैं, 7 बुलेटप्रूफ जैकेट्स, आंसू गैस गन, आंसू गैस के शेल, इसके साथ साथ 290 के करीब राउंड्स। सर इतना असलहा, चौधरी निसार साहब के बकौल, इतना असलहा इस्लामाबाद में लाने की क्या जरूरत है, क्या प्लान्स हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा आज गला बैठ गया तकरीर करते। मैं ये कहता हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब वहाँ गए थे, हमने कैबिनेट में उन फैसला किया है कि जो मिनिस्टर होगा उसके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ी होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, वो अपने भी रख सकते हैं। तो ये हर एक हमारे सूबे में हालात ऐसे हैं कि हमने सिक्योरिटी सबकी करनी है, तो इसी वजह से वो जो उनके साथ लोग थे जो गन्स हैं, उसके आपने उनका बयान भी सुना होगा, उसने खुद बता दिया कि सरकारी लोग थे, लाइसेंसदार असला था। तो ये कौन सी बड़ी बात है, इस वक्त मुल्क का फैसला होने जा रहा है, बहुत बड़ी बातें होने जा रही हैं, छोटी छोटी बातें को छोड़ें, बात करें कि क्या हो रहा है, ये लोग अपनी सफाई करें, ये क्या गन्स आ गई, कोई कहते हैं 900 लोग असला ले कर आ रहे हैं। जनाब हम कल आ रहे हैं, हमारे पास छुरी भी नहीं होगी, और जो मिनिस्टर है उन्होंने सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तो मतलब है कि वो भी सरकारी होगा, कोई जाती भी नहीं है। तो ये जो इस तरह इल्ज़ाम, मुझे बहुत अफसोस होता है चौधरी निसार पर, छोटी छोटी बातों पर जवाब दें, हम क्यों आ रहे हैं, हमें क्यों मजबूर किया गया है कि हम इस्लामाबाद हैं, और कल तो हम बनीगाला जा रहे हैं, हमको इस्लामाबाद बंद करने नहीं जा रहे, हम अपने लीडर ने हमें बुलाया, उन्हें कॉल दी है कि आप अपने लोगों के साथ मेरे बनीगाला पहुँचे, तो कल हम अपने लीडर के पास जा रहे हैं। तो हमारा रास्ता कोई बंद करेगा, कोई मजाक है, ये मुल्क रास्ते बंद करने, ये कानून की दरगाह, वो आइन की दरगाह, कहाँ आइन। इंतजामिया ने कहा कि आपको आने की इजाज़त है मगर मुसल्ला जत्थे साथ लाने की इजाज़त नहीं है, तो अब आपकी हिकमत अमली क्या है, सिर्फ हुजरा के साथ जो असलहा होना चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ वही होगा? मैं लिख कर देता हूँ, ये हम सबको आने दे, अवाम को बनीगाला जाने दे, किसी के पास असला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाकू भी नहीं होगा। हम वहाँ जाएंगे, हम अपने लीडर से बैठेंगे, वो जो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक आगे फैसला होगा। हमें उन्होंने बुलाया, हमने जाना है, हमें को रोकेगा तो ये आइन के खिलाफ वर्जी होगी, कानून के खिलाफ वर्जी होगी, मुल्क दुश्मनी होगी। मतलब एक चौधरी निसार को मैं जानता हूँ, वो गैर कानूनी काम नहीं करता, और हम ऐसा काम ना करें जिसके हमारे लोग गैर कानूनी काम कर लें,
जिससे इश्तेगाल पैदा हो। हम कैपिटल में जा रहे हैं, हमारा हक है, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान हमारा है, हमें मोहब्बत है अपने मुल्क से, हम मुल्क में जहाँ जाएँ हम आज़ाद हैं, कोई चीज़, कोई रुकावट, कोई कानून हमें नहीं रोक सकता कि हम बनी गाला ना जाएं। सही है। अच्छा अब परवेज सदक साहब, कितने लोगों का आपका प्लान क्या है, कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद बनी गाला में कल? देखो लोगों की गिनती तो नहीं होती, लेकिन लोग आएंगे ये मैं बता दूं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया कि हमारे सूबे का रास्ता रोका। अब मैं ये इन्होंने आज निसार साहब ने बात की कि परवेज खटक ने पंजाब और उसके लड़ाई की बात की, मुझे पंजाब से प्यार है, मुझे पंजाब के लोगों से, मेरे बचपन मेरी जवानी पंजाब में गुर्जी, चौधरी निसार से ज़्यादा मेरे हज़ारों दोस्त है उधर, मेरा पीटीआई है उधर, मेरा लीडर पंजाब का है। वो गलत इल्ज़ाम लगा के एक फ़िज़ा ख़राब करने के लिए कि मैंने ये कहा है कि पंजाब के वज़ीर आला ने शहबाज शरीफ ने हमारा रास्ता कैसे रोका, कौन से कानून, और फिर चौधरी निसार ने कैसे ऑर्डर किया, और चौधरी निसार कैसे इस्लामाबाद से हमें रोक सकते, कौन सा कानून, कौन सा आइन, ये हुकूमत रास्ते रोके तो ठीक है, और इमरान ख़ान अगर कहे कि इस्लामाबाद बंद करना है वो गलत है, इनके इनके फैसले आइनी हैं कानूनी हैं, इमरान ख़ान के फैसले गैर कानूनी और गैर आइनी हैं, तो फिर मुझे समझ नहीं आती इनकी इस बात से ही हमारी से ही। पुलिस, पंजाब पुलिस को मैं कहता हूँ, सारे अफसरान को कहता हूँ, अदालतों को कहता हूँ कि सड़क बनना बंद करना सबसे बड़ा जुर्म है, ये जुर्म कर रहे हैं, और मुझे कहीं दिखा दें कि सरकार सड़क बंद कर सकती है, वहाँ कंटेनर रख सकती है, बगैर किसी वजह किसी को गिरफ्तार कर सकती है, ये तो बदमाशी है, गुंडागर्दी है। कि मुझे पता ही नहीं था ये तो कंटेनर्स रात को पता नहीं किसने रख दिए, किसने ब्लॉक कर दी, मुझे तो मालूम नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि हटाओ कंटेनर्स, ये तो चौधरी निसार साहब ने वजाहत की है। तो अगर इंटीरियर मिनिस्टर इतना बेखबर हो, उसके ऑर्डर्स ही ना चलते हों, तो फिर यही हाल होगा मुल्क का। कल इन्होंने मेरे सूबे में मोटरवे पुलिस ने, ये हमारी जो मोटरवे के रास्ते एंटर होते हैं शहरों में, मर्दान नौशहरा बंद किए, मैंने ऑर्डर किया कि खोलो, मेरा सूबा है तुम नहीं बंद कर सकते हो, वो खुल गए। आज फिर इन्होंने रशकई मर्दान के बंद किए, फिर मैंने पुलिस भेजी कि इनको खोलो, और मैंने ऑर्डर किया आपके बाद मेरे सूबे में कोई सड़क बंद किया मोटरवे पुलिस ने इनको गिरफ्तार करेंगे, ये मेरा ऑर्डर है कि ये गिरफ्तार होंगे, कोई सड़क नहीं बंद हो सकता, ये कानून है, मेरा ऑर्डर भी नहीं है, मेरा आईन कहता है कि कोई सड़क बंद नहीं, कि ना मैं बंद कर सकता हूँ ना कोई और बंद कर सकता है। तो ये मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि गैर आइनी गैर कानूनी काम ना करें, हम जा रहे हैं हम मिलने, हम कोई गलत काम नहीं, हम कोई गमला नहीं तोड़ेंगे, शीशा नहीं तोड़ेंगे, तो हमें क्यों इस तरह हमारा रवैया जारी है, सारे मुल्क को बंद किया हुआ है, पंजाब में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहाँ पर लोग पकड़े जा रहे हैं, हमारे पठान जो जाते हैं उनको थाने में बंद करते हैं, भाई क्या जुर्म किया है, ये जुर्म है कि हम इनको कहें कि भाई हिसाब किताब दो, तुम्हारे पर इल्ज़ाम आया है हमने नहीं लगाया, एक दुनिया के मशहूर फॉर्म्स में तुम्हारा पैसा थ्रू पैसा रखा है, उसका हिसाब दो, हिसाब दे दो ना, सारे मुल्क को क्यों मुसीबत 7 महीने से डाला हुआ, ये मुल्क तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सही है। अच्छा आप प्रोफेसर मतलब साहब, आपने अब रिक्वेस्ट तो की, आपने रिक्वेस्ट तो की कि जनाब रास्ते खोल दें, ये रास्ते बंद ना करें, मगर मामला ये है कि आपकी रिक्वेस्ट पर ये नहीं होगा, हुकूमत ने जो प्लान कर रखा है उसका उन्होंने एक तरह से एक इजहार जो है वो परसों कमेटी चौक पर कर दिया। अब मेरा सवाल, एक मुख्तसर ब्रेक में लेने जा रहा हूँ, एक ब्रेक के बाद सवाल ये होगा आपसे कि आजकल जो हालात यहाँ पर चल रहे हैं, तो पीटीआई की पूरी लीडरशिप है वो प्लान ए से ज़्यादा काम प्लान बी पे कर रही है, प्लान सी पे कर रही है, आप जब सुबह निकलने जा रहे हैं और रास्ते अगर बंद हुए, आपको रोका गया, कारकुनों को रोका गया, तो प्लान बी होगा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के पास? और फिर एक और सवाल भी कि क्या आप चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आ रहे हैं या पीटीआई के लीडर की हैसियत से? एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में फिर खुशामदीद कहते हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवाल कर रहे हैं खासतौर पर कल के हवाले से। परवेज खट्टक साहब, मैं आपसे मैंने एक सवाल किया कि कितने लोग आप लेकर आ रहे हैं, आपने कहा कि तादाद आप नहीं बता सकते, लेकिन एक रफ आइडिया दे सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ होंगी, काफिला कितना बड़ा होगा? आपने जाहिर है कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ MPS की जिम्मेदारी लगाई होगी, कुछ MNS की जिम्मेदारी लगाई होगी, तो कितना बड़ा काफिला ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हुकूमत भी उसी के मुताबिक फिर प्लान कर रही होगी। मैं अपना प्लान कैसे बता दूं, लेकिन इनको बता देता हूं, हज़ारों गाड़ियां होंगी और हज़ारों लोग होंगे जो गिनती से बाहर होंगे। आपने इससे पहले पूछा कि आपका क्या प्लान है और कैसे जाएंगे। जनाब, हमने फैसला किया है, हम जाएंगे। और आपने ये कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पे आ रहा हूँ PTI से। मैं आपसे पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म जब जलसे करता है तो क्या वो वज़ीर आज़म बन के जलसे करता है या पार्टी का लीडर? अगर वो वज़ीर आज़म बन के आता है, कहीं जाता है, तो वो फिर अपनी पार्टी के अलावा औरों को क्यों नहीं बुलाता? सारे पार्टियाँ आनी चाहिए। तो मैं पार्टी का वज़ीर आला हूँ, मुंतखब PTI के टिकट से हूँ, तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, इमरान खान मेरा लीडर है, तो मैं दोनों हूँ, मैं वज़ीर आला भी हूँ और तहरीक इंसाफ का हूँ, उनके वोट से बना हूँ। तो ये तो सवाल ही नहीं है जी, ये पूछने का सवाल ही नहीं है। इन लोगों का कहना कभी नहीं कि वज़ीर आला आ रहा है, वो तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है। तो दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि मैं तहरीक इंसाफ भी हूँ और वज़ीर आला भी हूँ। तो ये मुझे दोनों अलग अलग कोई नहीं कर सकता। सही। तो मैं जब भी आऊँगा, जहाँ भी जाऊँगा, मुल्क से बाहर भी जाऊँगा, तो वो वज़ीर आला भी होगा और तहरीक इंसाफ भी होगा। सही है, ठीक है, बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं ज़रा आपसे प्लान बी के हवाले से, जो मैं ब्रेक से पहले कह कर गया था, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि चूँकि आप बहुत सारी बातें आप ऐसी कर रहे हैं जिसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए, तो हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि ज़रा एक दो सवाल उनसे भी करूँ और फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं और ज़ाहिर है PTI एक मिनट, बात सुने, मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूँ जी, मैं आपसे बात करूंगा, अगर बीच में लोग ला रहे हैं तो इनका ले लें, मेरा चीज और वक्त ले लें। अच्छा, फिर मैं बात करूँ, मैं इजाजत मांगता हूँ, मैं इन चीज में पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं किसी से बहस के लिए नहीं आया हूँ। आप मेरे से सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मेरी बात फिर बढ़ जाएगी और अच्छी बात नहीं है। मैं मसले नहीं पैदा, आप ही के सामने सवाल रखता हूँ सर, मैं आप ही के सामने सवाल रखता हूं सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा परवेज खट्टक साहब कि आपकी कल का क्या है, अगर हुकूमत आपके रास्ते रोकती है, आपको नहीं आने देती, रास्ते ब्लॉक कर देती है, तो प्लान बी क्या है आपके पास? देखिए, हमने फैसला किया है ABCDZ तक कि हमने जाना है, आगे नहीं पता। ये रोकते हैं, गैर कानूनी काम करेंगे, गैर आइनी काम करेंगे, इंतजार फैलाएंगे, तो हमें अपने मुल्क में नहीं जाने दिया जाएगा, हमारे कैपिटल में हम नहीं जा सकते हैं, हम कोई धरना देने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ ऐसे गलत काम का, हम सिर्फ हमारे लीडर ने हमें बुलाया कि आप सब बनीगाला पहुंचे, हम बनीगाला जा रहे हैं। तो रोकने का कोई जवाब, कोई तुक, कोई सेंस, कोई अकलमंद आदमी, कोई अकलमंद पार्टी, अकलमंद हुकुमरान ऐसा काम नहीं कर सकते। परवेज खट्टक साहब, आपको सिर्फ कमेटी चौक तक जाना था, लाल हवेली तक जाना था और हुकूमत ने नहीं जाने दिया। अब हुकूमत ने एक सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर ली अपने तौर पर, उन्होंने प्लान किया कि हम नहीं निकलने देंगे, उन्होंने नहीं निकलने दिया, उन्होंने प्लान किया कि हम नहीं जलसा होने देंगे, उन्होंने नहीं जलसा होने दिया। अब आपने कहा कि हमारे पास सारे प्लान है, हमें हर सूरत पहुंचना है, लेकिन कुछ प्लान तो होता है ना सर जी? देखें, ये डिक्टेटर जो होते हैं ना, इनका यही काम होता है, बातें जमहूरियत के करते हैं और करते हैं डिक्टेटरशिप, मुल्क में हुकमरानी के लिए लोगों से वोट मांगते हैं, बन जाते हैं बादशाह। तो बादशाह और डिक्टेटर हमने बड़े देखे हैं, मैं तो 35 साल से सियासत कर रहा हूँ, ये तमाशे बड़े देखे हैं, ये रोड बंद होते देखे, मार्शल लॉ में देखे, लेकिन आज जो मैं तमाशा देख रहा हूँ, हमारा छोटा सा सवाल है कि आपके दो फ्लैट्स हैं, उसका बताओ वो चोरी किए हैं या ईमानदारी से पैसा कमाया, उसका है बस, बात ख़त्म, साबित कर दें, सामने चीज़ें रखें, अवाम को बताएं कि ये मैंने ये कागज़ है, ये चेक है, यहाँ से पैसा गया, ये अकाउंट है, यहाँ टैक्स दिया नहीं दिया, और फिर हम शर्मिंदा होके वापस चले जाएंगे। मुसीबत में डाल दिया सारे मुल्क को,
कभी ये बनाओ, कभी ये करो, कभी भाई मुझसे पूछो ये 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 जैकेट कहाँ से ख़रीदा, मैं दुकान बताऊँगा, उसके पैसे बताऊँगा और बताऊँगा पैसे मेरे पास कहाँ हैं, बात ख़त्म हो जाए। अगर मैं कहूँगा यार जाओ अपना अकाउंट नहीं बताता, तो आप तो कहोगे यार एक तो ये तो डाकू है, ये बताता नहीं, इसमें ज़रूर कोई दाल में काला है। इतना सवाल है, मुसीबत सारे मुल्क को डाल दिया। इसका मतलब है वो शक जो है वो हकीकत में बदल रहा है, लोगों को अब समझ आ रही है कि हकीकत है, इसलिए छुपा रहे। अगर ये साफ सुथरे होते आज आराम से सो रहे होते, हुकूमत कर रहे होते, हम भी अपने आराम से अपना काम कर रहे होते, अपनी सियासत कर रहे होते, हुकूमत तो क्यों नहीं बताते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आएँ सामने, चीज़ें रखें, बताएँ एक एक पैसा और सरेआम बताएँ, और जाके हम शर्मिंदगी से वापस आ जाएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो मैं सरेआम कहता हूँ अच्छा कि दाल में काला है और फिर आवाम को निकलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल सर मैं इंतजामी हवाले से भी चूंकि आपसे करना चाहूंगा। आप चूंकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अब ये बनीगाला के बाहर जो इंतजाम हैं, मैं देख रहा था कल भी और आज भी मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं कि दोनों साइडों पर कुछ दरियाँ बिछाकर लोगों ने अपने रात के गुजारने का इंतजाम किया हुआ है। आप जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ जाएंगे और यहाँ पर जगह नहीं है बनीगाला के बाहर, तो आपने कुछ प्लान किया सर ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ रातें गुजारेंगे, क्योंकि अभी 2 तारीख आने में 2-3 दिन बाकी हैं, तो कैसे इनका इंतजाम किया जाएगा, बिस्तर कितने लेकर आ रहे हैं, खाने का इंतजाम क्या करके आ रहे हैं, तो ये प्लानिंग आपके ज़हन में है, किस तरह से प्लान हो रहा है सर? जनाब अली ये इमरान खान के लोग हैं, ये जान देते हैं इमरान खान पर, ये पीटीआई के नौजवान हैं, पीटीआई के जियाले हैं, ये खुद आ रहे हैं, खुद शौक से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, लब्बैक कह के आ रहे हैं। ये वहां रहेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, जमीन पर रहेंगे, अल्लाह मदद करने वाला है, खाना देने वाला अल्लाह, वो सब कुछ अल्लाह का काम है, जो होगा फेस करेंगे और हम सर सही है, लेकिन जाहिर है क्या कहना इन, इन इन लोगों को इमरान खान के इन जवानों को सर वॉशरूम भी जाना होगा, कुछ रहने के लिए कुछ बिस्तर भी चाहिए होंगे या चले नहीं चाहिए होंगे, हो जाएगा तो कुछ ओढ़ने के लिए, यहाँ पे सर्दी हो गई इस्लामाबाद में। सर मैं इसलिए सवाल मेरे जहन में आया कि यहाँ पर अगर 250 लोग इस वक्त मौजूद हैं, नहीं 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 तकलीफ नहीं है सर, सवाल यह है कि जाहिर है कारकुनान आ रहे हैं यहाँ पर, अगर 1000 लोग भी आ गए तो ये तो बिल्कुल सड़क जो पतली सी सड़क है ये तो बिल्कुल जैम हो जाएगी, जैसे अभी भी जैम है, यहाँ 2 गाड़ियाँ इकट्ठी आ जाएं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो प्लानिंग क्या है कारकुनों के लिए, आपको जो लोग सुन रहे हैं जाहिर है उन्होंने प्लान करके आना है, उनके ज़हनी तौर पर वो तैयार रहें, इससे सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे लोग तैयार होकर आए हैं, सब कुछ मौजूद होगा, उनका रहने का खाने का सब कुछ मौजूद होगा और इंशाल्लाह तक कोई ऐसा मसला नहीं है, हमने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ। अभी इतनी तफसील ये बताओ खाना कितना है, देखिए आप मेरे से पूछें कि ये मुल्क का मसला है, क्या ये हकीकत है या झूठ है, आप बता दें यार उसने चोरी नहीं की साबित कर दो, मैं चुप हो जाता हूँ, ख़त्म बात ख़त्म। मुझे तो नहीं मालूम सर आपका मौकफ है, तो आप जाहिर है आप साबित करेंगे या वो साबित करेंगे कि उन्होंने नहीं की, या आप साबित करेंगे उन्होंने की है, ये जाहिर है ये तो हुकूमत को और आपका मामला है। सर मुझे ये बताइए कि क्या इस धरने का आप इख्तिताम क्या देखते हैं, आपके जहन में क्या है, कब होगा, क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, आपके जहन में क्या है सर? ये देखें ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है, हमें तो आज ये बताया गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मेरा नाम लिया है कि वो लीड करके आएगा, मुझे उन्होंने इतला दी और यही फैसला हमारे लीड सियासी सियासत में पूछा लीडरों से नहीं किया जाता, जब मीटिंग्स होती हैं उसमें फैसले होते हैं, क्योंकि मैं इधर बैठा हूं और वहां पर हमारे कोर कमेटी के लोग इस्लामाबाद में बैठे, उन्होंने फैसला किया होगा और जो फैसला होता है उस पर हम अमल करते हैं, पार्टी का फैसला है, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, आगे मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, हम खान साहब के पास जा रहे हैं, हमारा लीडर है, उन्होंने बुलाया, फिर वो जो फैसला करेगा उस पर अमल करेंगे, उसी तरह आगे जाएंगे, क्योंकि हमने फैसले मिलकर करने और लीडर का फैसला हमने माना। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शंस पीटीआई के ज़ेरे गौर हैं उनमें से क्या एक ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से इस्तीफ़े दे दिए जाएँ और मरकजी असेंबली से भी इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, क्या इस्तीफ़ों का कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? मेरे ख्याल में अभी तक ऐसा कोई फैसला मेरे सामने नहीं है, ना कोई मैंने सुना है, वो जब फैसले होंगे, मैं खुद उस कोर कमेटी का मेंबर हूँ, वो मेरे सामने होंगे, उसमें बातचीत होगी, इस वक्त मैं यकीन से आपसे कहता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं हुई।
सही है, लेकिन सर आपको लगता है कि ये दबाव बढ़ाने के लिए अगर आपको धरने में ज़्यादा दिन लगते हैं, जैसे पहले भी हुआ उस वक्त भी ये ऑप्शन जेर गौर आया, तो आपको लगता है कि ये एक ऑप्शन है जिसको एक्सरसाइज किया जा सकता है? देखिए पहले 2.5-3 महीने वहाँ बैठे रहे तो हमारे लोग तो ट्रेन हो चुके हैं, ये तो बड़े हमारे लिए आसान और खुशी के दिन होते कि हम निकलें कॉज के लिए निकलें। पहले हम निकले थे कि धांधली हुई, वो कॉज था हमारे सामने। अभी हमारे कॉज ये है कि मुल्क में करप्शन हुई है, करप्ट माफिया है इस मुल्क में, कभी एक आता है कभी दूसरा आता है, मुल्क को लूट के ले जाता है, और उसके बारे में हमने कोई ये लीक नहीं किया। ये तो अब वहाँ पर पैनामा लीक्स में नाम आया, उस पैनामा लीक्स ने कहा है अब ये साबित करें कि उन्होंने झूठ, हम क्यों कहें कि ये सच्चा झूठा है? पैनामा लीक्स का रिकॉर्ड सामने, वो रिकॉर्ड सामने रखकर उसका जवाब दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमें क्यों कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? ये तो पैनामा लीक्स ने कहा है, वहाँ पर सारा रिकॉर्ड है, ना इमरान खान ने कहा है ना हमने बनाया। ये कहें कि पैनामा लीक्स झूठ बोलते हैं, उस पर केस कर दें, कोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाएँ कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे बच्चों के ये है, मेरा ये मेरा वा, ये ट्रैक जिस दिन ये सामने रखेंगे ना, इसका जो ट्रैक निकलेगा ये बहुत दूर तक जाएगा। ये दो फ्लैट जो है खाली नाश्ता है, नाश्ता भी नहीं है। ये जो बैंक का सिस्टम का होपफुल है सर निकलेगा, जब ये फॉलो जब होगा इंशाल्लाह बड़ों का फॉलो होगा, मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इस मुल्क में बड़े बड़े लोगों का इंशाल्लाह ताला ये ट्रैक निकलेगा और बड़े बड़े लोगों से ये माल निकलेगा, क्योंकि अवाम का खून चूसा गया राइट, नाजायज दौलत है, ये मुल्क गरीब दौलत है और यहाँ के लोग अमीर बन गए। मैं माफिया अरबपति बन गए। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, एक मुख्तसर ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, मैं बनीगाला में मौजूद हूं, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आज दिन भर जो कुछ होता रहा, कल जो कुछ होने वाला है, तमाम चीज़ों पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जाहिर है एक सूबे के चीफ मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम रहनुमा भी हैं और साथ ही साथ कल चूंकि वो अपना एक बहुत बड़ा काफिला लेकर बनीगाला की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत सी अहम चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ रहे हैं। सर मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल किया इस्तीफों के हवाले से, आपने कहा कि अभी इस तरह की कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन बहुत आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं खासतौर पर हुकूमत के लोग, वो एतराज़ ये उठाते हैं कि आप इन असम्बलियों को भी नहीं मानते, आप इस हुकूमत को भी नहीं मानते, इस वज़ीर आज़म को भी नहीं मानते और इस जमहूरियत को भी नहीं मानते, लेकिन इसी असम्बली से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, लॉजिज आपके पास मौजूद हैं, MNAs आपके मरात ले रहे हैं, तो ये फिर तजाद नहीं है क्या? देखिए हम जमहूरियत में अमल करते हैं और मानते हैं, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस सिस्टम को इसलिए नहीं मानते कि इसमें इंसाफ नहीं है, इसमें पूछने जमहूरियत वो होती है कि आप असम्बली में जवाब ले सकते हैं, साहब यहाँ पर असम्बली में उठे किसने जवाब नहीं दिया, जो किस्सा सुना दिया उसे और ही शकूक पैदा हो गए, जो वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ बयान किया कि मेरे वालिद साहब ने सऊदी पैसे ले गए, और जिस वक़्त इनके वालिद साहब के पैसों की बात है, मुझे याद है वो ज़माना इतना सख्त था कि $1 ले जाना बहुत बड़ा जुर्म था, बहुत बड़ा जुर्म था, तो इसके वालिद कैसे ये पैसे ले गए? फिर इन्होंने अब उनको बदनाम किया, फिर उनका सऊदी में फैक्ट्री बेची, उसको उधर भेजा लंदन और सऊदी में दूसरी फैक्ट्री बनाई, वो कैसे बन गई? तो ये सारा एक किस्सा इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया कि लोग शक में हो गए, और अब शक हकीकत में हो बदल गया कि ये बता ही नहीं रहे, हर जगह कभी कहते हैं ये कमेटी बनाओ कभी ये बनाओ हमारे मतलब, लेकिन जब किसने फैसला करो ना फिर अपने डिक्टेट नहीं करता इस तरह आपने करना है, ये इल्ज़ाम लगा, इसके लिए सारी अपोजिशन पार्टियों ने असम्बली में बिल दिया हुआ है उसको एग्री करें, एक तरफ सारे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, एक तरफ ये, तो सियासी पार्टियों ने एक TORs बनाए वो नहीं माना अपने TOR, देखिए मैं अगर मैं मेरे में चोरी होगी और मैं अपनी मर्जी की शरारत रखूँगा तो मुझे पता होगा कि मैंने कहाँ TOR में कौन सी चीज़ डालनी है जिससे मैं बच सकूँ, तो अपने बचाने के लिए रखेंगे और हम इनको इनका सामने रखने के रखेंगे, तो इसलिए बात नहीं बन रही, अदालतें जो हैं जो फैसले देती हैं उसको नहीं मानते, रोड्स बंद करते हैं, अदालतों पे हमले करते हैं, इनके लिए सब जायज़, बाकी कहीं गलती से थूक भी देना
वो बदनाम तरीन आदमी है। इमरान खान करेगा तो गैर कानूनी, ये सूबे बंद करेंगे, शहर बंद करेंगे, पंजाब बंद करेंगे, सबको बंद कर गिरफ्तारियां करेंगे ये फरिश्ते। और हमसे गलती से अगर शीशा भी टूट गया जनाब, दिखाएंगे कि इन्होंने तो मुल्क की तबाही है, ये मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इंतशार इन्होंने फैलाया, जुल्म इन्होंने किया, गैर कानूनी काम। मैं तो दो दिन पहले कह चुका हूँ, अब जो नुकसान होगा, कुछ जानी नुकसान होगा, कुछ होगा, इसका जिम्मेवार वफाकी और पंजाब की सूबाई हुकूमत होगी, इसमें शक ही नहीं। अल्लाह ना करे, हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसे ना हो। अगर कोई रास्ता रोकेंगे, पुलिस हमें मारेगी या हमला करेगी या आंसू गैस करेगी, तो क्या ख्याल है आप? ये लोग हम भाग जाएंगे, हम रास्ता छोड़ देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। जनाब अली, इन चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं, जो मर्जी कर लो लोग आएंगे, खोल दो ये रास्ते गैर आइनी। मैं अदालतों को भी कहता हूँ कि हमें ये कहते हैं ये नहीं करना और ये खुद कर रहे हैं, ये हमारे अदलिया आज़ाद है, आजाद अदलिया ने फैसले करने, तो ये रास्ते रोकना जो है। और आप कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से तलब भी कर रखा है इमरान खान साहब को, और जाहिर है इसी अदालत ने हुकूमत से भी कहा था कि कंटेनर हटा दें, रास्ते खोल दें, गैर आइनी है। मैं आपकी इजाजत से जरा दो तीन मिनट के लिए, मेरे साथ कामरान मुर्तजा साहब मौजूद हैं जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मैं उनकी कल के केस के हवाले से कानूनी राय लेना चाहूँगा। कामरान मुर्तजा साहब, कल जो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलब कर रखा है इमरान खान साहब को, और लग यही रहा है कि वो इस इन हालात में, जबकि एक तरह से वो खुद कहते हैं कि वो गैर ऐलानिया तौर पर हाउस अरेस्ट हैं, वो मुझे नहीं लगता लोगों का ख्याल है कि वो जा पाएंगे अदालत में, तो आपको क्या लगता है प्रोसीडिंग किस तरह से आगे बढ़ेंगी? फिर देखिए, उनको असालतन जाने की जरूरत नहीं है, वकील उनकी जगह पे जा सकते हैं, और मेरा ख्याल है वकील एंगेज हो गए हुए हैं उनके पार्ट पे, तो वकील जाए, अगर खुद भी चले जाए तो अच्छी बात है, अगर रास्ते में जाते हुए अरेस्ट हुए तो उनको अपना ज्यादा उनके लिए अच्छी बात हो जाएगी सियासी तौर पे, अदरवाइज वकील तो जाए ना, जाके उसको कंटेस्ट करें उस केस को। सही। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, हुकूमत का ख्याल है कि लॉकडाउन गैर कानूनी है, और परवेज खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं और पीटीआई का ये मौकफ है कि जो कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं ये गैर कानूनी है। अदालत ने दोनों इकदाम को गैर कानूनी कहा, इनफैक्ट वजाहत तलब की है, कहा तो आपकी क्या इसमें राय है? दोनों गलत है, लॉकडाउन ना उनको करने का हक है और ना इस हुकूमत को इस तरह से जो ना कंटेनर लगा के रास्ते बंद करने का हक है। लेकिन पीटीआई का मतलब यह है कि हमने तो अपना कानूनी हक एक्सरसाइज करने के लिए लोगों को बुलाया है कि वो यहाँ पर आए, अब वो खुद ब खुद इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, हम बंद नहीं करना चाहते, लेकिन 10 लाख लोग जब आ जाएंगे तो वो तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, हम तो लॉकडाउन नहीं कर रहे, ये पीटीआई का मौकफ है इसमें। देखिए, उनका जो भी कंटेंशन है वो उनकी स्टेटमेंट की उसमें देखा जाएगा ना, कॉन्टेक्स्ट उसका वो होगा, तो वो जो भी स्टेटमेंट आ रही है उसमें तो इस्लामाबाद बंद करने की बात आ रही है। ये इनके एहतजाज, इनका हक है ये एहतजाज करें, मगर इस तरह से नहीं कि वो मेरी कास्ट पे, किसी और की कास्ट पे, लोगों की कास्ट पे इस तरह से खराबियां पैदा होती हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ मिनिस्टर, मैं वापस आता हूँ आज, आप ये जो हुकूमत ने पहले दिन से मौकफ इख्तियार किया हुआ है, जिसको अदालत ने भी कहा कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना गैर आइनी है, लोगों को रोक देना, अस्पतालों में वो ना जाएं, स्कूलों में ना जाएं, कारोबार ना करें, तो ये सब एक गैर कानूनी चीज़ है, एहतजाज हक है, लॉकडाउन हक नहीं है, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं सिर्फ ये सब पाकिस्तान के अवाम के सामने ये चीज़ रखता हूँ कि अगर नवाज शरीफ, चौधरी निसार, शहबाज शरीफ सूबे के रास्ते बंद करता है, शहरों के रास्ते बंद करते हैं, तो ठीक है, वो कानूनी है, वो आइनी है, लेकिन मुझे वो आइन दिखा दें, वो कानून दिखा दें कि सड़कें बंद करना वहाँ कहीं लिखा है। और मैंने जो पढ़ा है, मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है, सड़क बंद करना सबसे बड़ा जुर्म है। मैं पंजाब की पुलिस को कहता हूँ कि आप कौन से कानून के तहत हमें रोकेंगे, कौन से कानून के तहत सड़क बंद करेंगे? हम कोई आज शटडाउन के लिए नहीं जा रहे, कल हम सिर्फ बनीगाला जा रहे हैं, अपने लीडर को मिलने जा रहे हैं, हम वहाँ पर उन्होंने हमें कॉल दी है, तो मुझे सिर्फ आप समझा दें, इनसे कानून साजों से पूछें कि कौन से कानून में लिखा है कि ये शटडाउन करें। भाई, मुकाबला करना है, और रास्ते हैं, और चीज़ें रास्ते हैं, मैं सीखना चाहूँ तो मैं बता दूंगा, ये सड़कें बनना कोई कानून नहीं है, सिंपल से रास्ते हैं, उसके पे जाओ, मुल्क में इंतशार ना फैलाओ। 5 दिन से, मतलब आज तीसरा दिन है,
तीन दिन और या जितने और दिन होंगे सारे मुल्क में इंतशार फैल गया। इससे ऐसा लगता है कि इस मुल्क में किसी का कोई हक ही नहीं है कि इस अपने कैपिटल में जाए। वज़ीर आला को हक नहीं है कि वो अपने लीडर के पास बनी गाला जाए। मेरे कल मीटिंग्स भी है फॉरेनर्स के साथ, इस्लामाबाद मीटिंग्स हैं, मैंने फिर वहाँ भी जाना है। तो क्या मैं जो मीटिंग इसलिए मैं इस्लामाबाद करता हूँ कि NOC नहीं मिलती कई लोगों को, तो मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ, कई दफ़ा जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट मसले हैं, तो ये मेरा रास्ता रोकेंगे और फिर मैं वज़ीर आला अपनी जगह आवाम का रास्ता रोकेंगे। ये मुल्क किसका है? ये पाकिस्तानी है, कोई हिंदुस्तान से नहीं है। मेरे ख्याल में अगर हिंदू आ जाते ना, ये उनके लिए रास्ता सलाम भी करते कि आ जाओ भाई हमारे मुल्क को खा जाओ। ये खाने के आदि हैं, ये पार्टनर्स हैं मोदी के, और इन्होंने उनके लिए रास्ते खोले हुए हैं और अपने मुल्क के लोग के लिए नहीं आ सकते। अजीब सा, मैं बहुत परेशान हूँ दो दिन से कि ये कैसा मुल्क है। हम मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम डिक्टेटर के ख़िलाफ़ बात करते हैं, हम कई कई हद तक सियासतदान चले जाते हैं, जब खुद कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर उनसे ज़्यादा डिक्टेटर हो जाते हैं। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, इतना आसान काम नहीं है कि इस मुल्क में अब ज़माना चला गया, तालीम बहुत बढ़ गई है, अब मीडिया बहुत तेज़ हो गया है, हर एक के हाथ में सारे दुनिया के खबरें होती हैं, मिनट में खबरें जा रही हैं, पढ़े लिखे लोग आ गए, तालीम आ गई है। वो ज़माने गए, बेशऊर लोग होते थे जब आते थे और सड़कें बंद होते, ये पार करके आएंगे, ऐसे पार कर याद रखेंगे, तारीख याद करेगी कि इन्होंने अगर रोका तो इसका असर बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान के जिम्मेदार ये होंगे क्योंकि हम कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रहे। क्या नुकसान? नुकसान ये होगा ना, अगर कोई नुकसान जानी नुकसान, कोई जानी नुकसान हुआ, कोई और ऐसा हुआ, कोई जख्मी हुआ, इसके अलावा सारे रोड्स बंद हो गए, अस्पताल लोग जा रहे हैं, कोई मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इनकी मीटिंग अभी तक जो शहादतें हुई हैं, कल कर्नल साहब शहीद हो गए, एक बच्चा अस्पताल ना जाने की वजह से जान भाग हो गया और उसमें आंसू गैस के असर की वजह से, और उससे पहले भी हमने देखा कि जो क्वेटा में वाकया पेश आया उसको भी किसी ना किसी तरह से जोड़ा जा रहा है इस धरने से, क्योंकि कहा गया कि इनको इसलिए यहाँ पर ठहराया गया था कि इनको इस्लामाबाद भेजना था। तो अभी तक जो शहादतें हुई हैं, परवेज खट्टक साहब, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? आप खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया कि आपने कहा कि ये क्वेटा में जो हुआ वो इस धरने में भेजना चाहते पुलिस को, तो ये हमने उनको रोका, ये भी इसकी वजह है, इनके गलत फैसले थे कि यहाँ पर पुलिस पर हम पे दबाव डाले। जो बच्चा शहीद हुआ, आंसू गैस PTI ने तो नहीं चलाई, इन्होंने आंसू गैस चलाई और कातिल बन गए। ये तो पहले ही मॉडल टाउन के कातिल हैं, वहाँ से छुप रहे हैं, इतने लोग वहाँ मारे गए, गोलियाँ चली और बैठे हुए हैं जनाब याली, ये बादशाह गुंडे बदमाश बन गए, कत्ल भी करो, चोरी भी करो, डाका भी डालो, कोई पूछेगा तो कह जी गैर आइनी है। ये जो इस्लामाबाद पिंडी में बच्चा फौत हुआ, कल ये जो हमारे फौजी भाई शहीद हुआ, कर्नल शहीद हुआ, एक जख्मी हुआ, ये तो इन्होंने जुल्म की वजह से इन्होंने कंटेनर रखे। मैं खुद वहाँ मौके पर गया, वहाँ पर ऐसे कंटेनर्स रखे हुए हैं लाइनों में, फिर रेत डाली हुई है, पता नहीं है हमारे सूबे के साथ क्या दुश्मनी है नवाज शरीफ को। मैं हमेशा कहता हूँ पंजाब के लोग ऐसे नहीं है, मेरे सारा बचपन वहाँ गुजरा, मेरी जवानी, मेरे दोस्त हैं। चौधरी निसार को मैं कहता हूँ, यार तुम्हारा तो एक दोस्त भी कोई नहीं, मेरे हज़ारे दोस्त हैं, मैं कभी पंजाब के खिलाफ बात सोच भी नहीं सकता, मैं इनके खिलाफ बात करता हूँ कि डिक्टेटर हो, बाज आ जाओ, नहीं तो बहुत चौधरी साहब, तो आपके खुद के भी बड़े अच्छे और बड़े पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल सही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब, एक मुख्तसर ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, आखिरी हिस्से में चंद अहम सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं बनीगाला में मौजूद हूं, कल भी हमने यहां से आपके लिए प्रोग्राम किया, आज भी हम आपको यहां का माहौल भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खट्टक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातें भी कर रहे हैं। परवेज़ खट्टक साहब, आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आपको नहीं मालूम कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या होगा इस्लामाबाद जाकर, आप बस आपके कप्तान ने कॉल दिया है, आप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बाकी प्लान आपके पास नहीं है। हो सकता है पिछले धरने की तरह ये भी 126 या दिन या इससे भी बढ़ जाए, आपके वज़रा भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, आप खुद भी आ रहे हैं, सर अगर ये धरना तूल पकड़ता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा का निजाम कैसे चलेगा, वो सुबह आप नहीं समझते कि सफर करेगा? देखिए, मैं
धरना में आप लोग कहते रहे, मैं तो धरने में सिर्फ सैटरडे को हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है, मैं हफ्ते इतवार को आ जाता था और मैंने ऑफिस एक दिन भी मिस नहीं किया और अभी भी यही होगा। हमारा हुकूमत चलती रहेगी, दफ्तर चलते रहेंगे, असेंबली चलता रहेगा, मैं अपना काम करूंगा, बाकी पार्टी है उसने अपना प्रोग्राम चलाना है और हम अपने पार्टी के ये तो एक कॉल आज खान साहब ने दी है, हम उधर जा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह हमारा ऑफिस भी चलेंगे। उसमें कोई असर ना पहले पड़ा ना अभी पड़ा है, खाली प्रोपेगेंडा होता रहा क्योंकि और तो इनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हम डिलीवर कर रहे हैं, हम लोगों से आपसे अब तीन चार मुख्तलिफ सही है राइट मैम चंद मुतफरक सवाल अब आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो सर मुझे ये बताइएगा कि चौधरी निसार साहब जिक्र भी हो रहा था कि वो आपके पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने खुद भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि परवेज खट्टक साहब ने बड़ी गर्मा गर्म आज बातें की हैं, सर कोई बैकडोर रबता है चौधरी निसार साहब के साथ? आप चूंकि खुद भी चाहते हैं कि खुदा न खास्ता हलाकतें ना हों, ऐसी चीज़ें पेश ना आएँ, आपने कोई रबता किया है उनसे या उन्होंने आपसे कोई रबता किया है ताकि खुश उसलूबी के साथ ये सारा मामला तय पाए? देखिए मैं सीधा सीधा आदमी हूँ, ना मुझे बैकडोर आता है, ना छुप के बात करता हूँ, ना कमरों के अंदर बात करता हूँ, कोई रबता नहीं है और ये उनका काम था रबता करने का। अगर ये इस मसले का हल करना चाहते थे, इसको एक सीधे रास्ते पे डालना चाहते थे, इनको चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के साथ रबता करते और इसका हल ढूँढते और ज़िद ना करते। ज़िद वही करता है जिसमें चोरी हो, जिसमें कोई कमी हो, जिसके पास जो इसके दामन साफ हो वो तो बैठता है टेबल पे बात करता है, अपने कार्ड सामने रखता है, लेकिन जब दामन साफ ना हो तो यही रिजल्ट है। और रिजल्ट नुकसान किसको है? पाकिस्तान को पहुंच रहा है। इनके तो अरबों रुपए खरबों रुपए बाहर पड़े हैं, ये तो ऐश करेंगे, इनके तो ऐयाशी की ज़िंदगी है, या मरेंगे और ख़राब होंगे, बेरोज़गार और तबाह, नुकसान तो पाकिस्तान की आवाम को हो रहा है। ये जब से ये किस्सा ही शुरू है, 6 महीने से जब से शुरू है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जब दुनिया नज़र देखती है कि एक वज़ीर आज़म और सियासी लोगों के अरबों खरबों रुपए बाहर है तो एतमाद नहीं करते, और एक करप्ट हुकूमत को कोई लोन भी ऐसे भी नहीं देता। कि आपकी वजह से मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंच रहा है, आपके बार बार के धरने और एजिटेशन जो हैं ये नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट है, और आपका जो एजेंडा है ये एजेंडा भारत का है, इंडिया का एजेंडा है, आप पर तो हुकूमत के इल्ज़ाम लगाती है यानी पीटीआई पर। इंडिया तो यार जाती उम्र किधर है, मैं आपसे पूछूँ, ये जाती उम्र हिंदुस्तान में नहीं है, ये हिंदुस्तान से नहीं आए, इन्होंने अपने घर का नाम जाति उम्रा रखा है, इनकी तो सोच ही हिंदुओं वाली है, ये मेरे ख्याल में पैदा हुए, मुझे इनकी तारीख नहीं पता ये कहाँ से आए, ये जो इनको तो पाकिस्तान का पता ही नहीं। हमारे बड़ों मेरे बाप मेरे दादा ने जेलें काटी जब पाकिस्तान बन रहा था, कश्मीर तक जिहाद किया, इनको क्या पता पाकिस्तान में कितनी तकलीफों से बना है, इनको कौन सी मोहब्बत है इस मुल्क से। हम ये ऐसी सिचुएशन ना बने, परवेज खट्टक साहब चोरी ना करें, दो तीन लीडर्स आप कह रहे हैं, जैसे आज बिलावल ने कहा, अच्छा परवेज खट्टक साहब आज बिलावल ने कहा कि ये पीटीआई के जो धरने हैं या तहरीके हैं ये एम्पायर की उंगली के सहारे पर चलती हैं, इसके बगैर नहीं चल सकती, आप बिलावल को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ना हमारे पास किसी की उंगली है, हमारी मदद अल्लाह करेगा, हमारी अगर नीयत साफ है, इरादे साफ हैं, मुझे अल्लाह पे पक्का एतमाद है कि इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा और इनके मुंह काला होंगे, मुझे कुछ और नज़र नहीं आता, मैं उसकी सारी कैंपेन देख रहा हूँ, उसकी सोच देख रहा हूँ, कि ये प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे की सूरत में आपको मिलेगी ये अल्लाह को पता होगा, लेकिन हम सही रास्ते में, हम सिर्फ छोटा सा मामूली सा छोटा सा सवाल कर रहे कि भाई साहब दे दो, इस गरीब मुल्क है हम और ये हमारे अवाम आपसे पूछते हैं कि भाई आप वज़ीर आज़म हो, कोई आम आदमी नहीं हो, वज़ीर आज़म को साफ और शफाफ होना चाहिए, ये जो ओत उठाते हैं सब कुछ उसमें लिखा है कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, हमने राज नहीं फाश करने, राज इन्होंने फाश करने की कोशिश की वो झूठे तरीके से, ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, क्यों नहीं इस लोगों को समझ आती ये एक सिक्योरिटी रिस्क है कि ये इंडिया के साथ दोस्ती कारोबार, फिर हमारे फौजियों पर, हमारे अफवाज पाकिस्तान जिसने इतनी कुर्बानियां दी उस पर इतना झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं और फिर सिर्फ एक दरबारी का वो कुर्बानी करते हैं। वो दरबारी था यार, मेरा वो भी दोस्त है, मेरे साथ गॉर्डन कॉलेज में पढ़ा है, ये तो वो जो वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता, मैं उसको जानता हूँ, जब तक डायरेक्शन ना मिले, डायरेक्शन कौन दे सकता है, एक ही आदमी दे सकता है, वो सबको पता है कौन है,
परवेज रशीद को मैं कॉलेज में हम करते थे, मैं पुराने दोस्त थे। सही है, राइट। परवेज खट्टक साहब, आप यहाँ पर जो पीटीआई के लीडर से हम इंटरेक्ट करते हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, इमरान खान साहब बारह कह चुके हैं कि तलाशी देनी पड़ेगी, हिसाब देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लिए बगैर, और यहाँ पर मोस्टली लोग, मैं दो तीन दिन से सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी दो तारीख वाली नौबत नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो दो तीन दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, इतना कॉन्फिडेंट है पीटीआई। जबकि दूसरी तरफ आपके ही सूबे के जो की लीडरशिप है, मौलाना फजलुर रहमान है, असफंद यारवाली साहब हैं, वो कहते हैं कोई नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ही नहीं सकता। अब वो किस बुनियाद पर कॉन्फिडेंट है आपके ख्याल में, और आप किस बुनियाद पर कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, उन दोनों का तो पता है, एक तो सारे मुल्क का डीजल खा गया, एक वक्त में सारा लूट के खा गया, लैंड क्रूजर में फिर रहे, बंगलों में, उनकी जायदाद किधर है, उनके आमदन किधर है, कारोबार किधर है, एनपी वाले की क्या बात करते हैं, पांच साल में सूबा लूट के चले गए, जो बुरा हाल मेरे सूबे का किया, टूटे हुए सड़कें, कमीशन से भरी सड़कें, सारे कदीमा बिल्डिंग, सारा कुछ बिक रहा था, नोट के नोट यहाँ जमा, बोरियाँ आ रही होती थी, उनकी बात छोड़े, मैं ये बात करता हूँ, मुझे बात बुला दिया, आपने क्या क्वेश्चन किया था? जी, मैंने सवाल ये था कि आप जाहिर है इस्तीफा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर का आ रहे हैं ना, और आपके लोग ये कहते हैं कि ये बात दो तीन दिन से आगे नहीं बढ़ेगी, दो तारीख को यहाँ पर लाखों लोग आ जाएंगे, उसके बाद दो तीन दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यही कॉन्फिडेंस पिछले धरने में भी था, इस मरतबा क्या मुख्तलिफ है, और इस मरतबा क्या कॉन्फिडेंस की, ज़्यादा कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, हमारे लीडर में कॉन्फिडेंस है, इसी तरह आपको याद होगा परवेज रशीद ने कहा था कि इमरान खान 30 तारीख को नहीं होगा, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान है, परवेज़ रशीद नहीं है, ये अल्लाह के फैसले हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, हम एक ऐसे नुक्ते में निकले हैं जो हमने नहीं कहा, ये जो इसके फ्लैट्स का बताया गया है, ये पैनामा लीक्स के थ्रू आया, हमें पता चला, हम पूछने आ रहे हैं कि भाई बता दो तुम्हारे पास ये कहाँ से आए, वो बता देना यार, हम घर चले जाते हैं, मैं कमिट करता हूँ, ये मेरे सामने साबित करे, मैं इमरान खान को कन्विंस करूँगा, और इनके खिलाफ हम इस पैनामा लीक्स पे बात नहीं तो साबित होने के लिए तो अदालतों में मामला आ गया है, पीएमएलएन ये कह रही है, हुकूमती लोग कह रहे हैं कि अदालत में मामला आ गया, अदालत ने समाप्त शुरू कर दिया है, साबित हो जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो हम इंतजार करेंगे, साबित होगा, देखी जाएंगी, जल्दी साबित हो गया वापस आ जाएंगे, नहीं साबित होगा हम भी इंतजार करेंगे, बैठेंगे कि अदालत क्या फैसले करती है। अच्छा परवेज हड्डा साहब, चूंकि आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं, तो मैं एक मरतबा फिर कल का प्लान आपसे पूछना चाहूंगा, कितने बजे निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या माहौल होगा, और अगर रोका गया तो क्या करेंगे? हमने कल 10 बजे का टाइम दिया है सवाबी इंटरचेंज के पास मोटरवे पे, और कुछ लोग जीटी रोड से आएंगे, और उसके बाद जिस वक्त लोग सारे जमा होंगे, क्यों हमारे लोग जो हैं वो टाइम के पाबंद नहीं हैं, लोग आते रहेंगे, जैसे हमारा पूरा काफला पूरा होगा हम इंशाल्लाह वहाँ से रवाना होंगे, कि मैंने जल्दी भी चलना है, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद में फॉरनर्स के साथ मीटिंग है, उधर भी मैंने पहुँचना है, तो मैं कोशिश हम करेंगे कि जल्द अज जल्द वहाँ से निकल सके, और मेरी अगर मीटिंग मिस हो गई तो इसका मतलब है इन्होंने वज़ीर आला को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से रोक दिया गया, और मैंने इनको ख़त लिख दिया। सर, एक सवाल मुझे अचानक याद आ गया, परवेज खट्टक साहब, आज चौधरी निसार साहब ने किसी क्रेन का जिक्र किया कि आप उनकी क्रेन कोई ले गए हैं, एनएचए की क्रेन थी, एक ट्रॉलर भी ले गए हैं, वो वापस कर रहे हैं, वो साथ आते आते वो भी लेते आइए? मुझे नहीं पता कौन ले गया, क्रेन कोई ले गया, अब मुझे आज इतने इनके क्रेन ले जा सकते हैं तो मेरा ख्याल में हमारी क्रेन थी, अगर इनका क्रेन जा सकते हैं तो आप सोचें कि इनके कंटेनर्स का क्या हाल होगा, ये तो कल तमाशा आप देखेंगे कंटेनर्स का हाल क्या होगा, और जो इन्होंने 500-500 या 400-400 पुलिस खड़ी की है, ये भी तमाशा देखेंगे कि ये कितनी बहादुर पुलिस है और कैसी खड़ी रहती, एक गोली ही मार सकते हैं, एक कत्लेआम कर सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं ठहर सकेंगे अवाम के सामने, कत्लेआम कर दें, 200-400 लोग कत्ल कर दें तो फिर तो हो सकता है ये कामयाब हो जाएं, लेकिन इसके अलावा हाँ ये कोई किसी को नहीं रोक सकता, और ये कोई कादरी की पार्टी नहीं है कि कत्लेआम कर दें, हमें हिसाब लेना आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आप क्या कह रहे हैं कि कादरी की पार्टी नहीं है जो हिसाब ना ले सके, आपको हिसाब लेना आता है। सर आपके भी तो कुछ लोग पिछले धरने में कुछ शहीद हो गए थे, कुछ लोगों के साथ जातियां हुई थी, कुछ बेचारे जेलों में चले गए, अब भी आपके लोग उठाए जा रहे हैं, तो आप कैसे हिसाब ले पा रहे हैं? हिसाब ले तो नहीं पा रहे आप? हमारा कोई शहीद नहीं हुआ। देखिए एक बात हमेशा ये, फिर बात पंजाबी, हम पठान लोग हैं, हम बदला लेते हैं, चाहे 10 साल बाद लें, 20 साल बाद लें, बदला ज़रूर लेते हैं। बदला कभी भी नहीं छोड़ा जाता, मौके की ताक में रहते हैं। हम इनसे किस तरह बदला लेंगे ये हमारा फैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया परवेज़ खटक साहब, खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि कल देखेंगे आप, अगर हमें रोका गया तो हम फिर क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये आप कल देखेंगे। अब उसके लिए वो क्या तैयारी करके आ रहे हैं ये शायद उन्होंने अभी बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये कोई ताहिर उल कादरी की पार्टी नहीं है जो अपने 14 कत्लों का अब तक हिसाब नहीं ले सके। हमारे साथ जाती हुई तो फिर हम पूछेंगे और हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद थे, कल वो एक बड़ा काफिला लेकर इस्लामाबाद और बनीगाला की तरफ निकल रहे हैं, 2-3 दिन पहले ही वो यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं ताकि यहाँ माहौल बन जाए, और फिर पाकिस्तान भर से दीगर काफिले भी आ रहे हैं, और इमरान खान ने खुद भी चूंकि कहा कि कल से लोग पहुँचना शुरू हो जाएं। अब इन लोगों के आने के बाद यहाँ बनीगाला में क्या माहौल होगा, क्योंकि अभी चंद 100 लोग हैं तो जगह कम पड़ रही है। आपने प्रोग्राम के दौरान भी देखा होगा कि एक गाड़ी गुजरती है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब जब ये लोग यहाँ पर अपने बिस्तर डाल के लेट जाएंगे दोनों तरफ, और गाड़ी के गुजरने का रास्ता भी नहीं बचेगा, इन लोगों के गुजरने का रास्ता नहीं बचेगा, तो यहाँ बनीगाला में क्या माहौल होगा? कल अगर ये काफिला यहाँ पर शाम में पहुंच गया तो फिर शाम में ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। ये आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।